हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट यूनिट के पार्ट 19 लेक्चर में न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और यहां से हम लोग जेड एम ए और एन ए के वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन का। और कुछ नए तरह का ये क्वेश्चन है। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। रिमार्क करें कि ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये आपका एच सी पी टाइप का होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो क्वेश्चन से टू यू, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइट्स, वाइट्स का नंबर इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी of these are tetrahedral voids. So here we find out the number of voids, यानी रिक्तिकाओं की संख्या को हमें यहां पर find out करना है। चलिए आइए जानते हैं इनके voids place को कैसे calculate करें। सबसे पहले number of closed packed structure का value find out करें, then mole number और Na की value का multiply करें। So first according to given नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए मोल नंबर और इनटू कर देंगे एनए। क्वेश्चन में आपको मोल नंबर दे रखा है 0.5 इंटू एनए का वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग 6.023 इंटू 10 to the power 23। और इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वैल्यू आ जाएगा। सो ये वैल्यू आपको मिलेगा 3.011 इंटू 10 to the power 23। अब जब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए वॉइड्स और देन टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। तो पहले ऑक्टाहेड्रल देन टेट्राहेड्रल, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स का यहां से वैल्यू पता चल जाएगी। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए जो वैल्यू आपने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फाइंड आउट किया 3.011 इंटू 10 to the power 23। अब ये वैल्यू यहां से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का है इसके आधार पर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे 2 का, देन 2 इंटू 3.011 इंटू 10 to the power 23। मल्टीप्लीकेशन से ये वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर मिला। अब देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा था टोटल नंबर ऑफ वाइट्स फाइंड आउट कीजिए, तो जो टेट्राहेड्रल वाइट्स हैं उनका और जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हैं उनका अगर वैल्यू प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो यहां पर हमें एचसीपी के लिए टोटल नंबर ऑफ वाइट्स पता चल जाएगा। सो देयरफॉर द टोटल नंबर of whites equals to, मैंने कहा दोनों की वैल्यू पुटअप करें ऑक्टाहेड्रल की और टेट्राहेड्रल की, देन 3.011 इंटू 10 to the power 23 और प्लस कर दें टेट्राहेड्रल के लिए जो वाइट्स वैल्यू फाइंड आउट किया आपने 6.022
इंटू 10 to the power 23, और जब इसको आप टोटल कर लेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट आपको मिल जाएगी 9.033 इंटू 10 to the power 23। तो टोटल नंबर ऑफ जो वाइड वैल्यू है उसका आंसर मिला आपको यहां से 9.033 इंटू 10 to the power 23। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड लैटिस है। इफ इज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 इंटू 10 to the power -8 एंड डेंसिटी इज 10.5, देन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर दो वैल्यूज आपको गिवन है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज नोट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन वैल्यूज है उसमें आपकी इज लेंथ दे रखी है, इज लेंथ को ए से रिमार्क करते हैं। सो वैल्यू इज 4.07 इंटू 10 to the power -8। सेकेंडरी केस में आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी को डी से रिमार्क करते हैं। सो 10.5, और यहां आपको एनए का वैल्यू अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23। अब फाइंड आउट क्या करना है, तो कह रहा हम एम कैलकुलेट कीजिए, एटॉमिक मास कैलकुलेट कीजिए सिल्वर का, देन फॉर्मूला यूज करें डी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, यहां से मैक्सिमम सॉलिड स्टेट के जिस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जामिनेशन में, उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां हम एम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एम के लिए फार्मूला होगा एम इक्वल्स टू डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड, और इस फॉर्मूले पर जब आप वैल्यू पुट अप कर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से इसका एटॉमिक मास सिल्वर का ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां जेड फाइंड आउट कर लें, क्योंकि बाकी तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ए भी है, डी भी है, एनए का वैल्यू है, लेकिन जेड नहीं दे रखा। सो द नंबर ऑफ जेड इन एफसीसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जो लैटिस है आपका वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। तो एफसीसी के लिए जब हम एटम नंबर फाइंड आउट करते हैं यानी जेड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 कैलकुलेट करेंगे, देन यहां से आपको आंसर मिलेगा 1 और यहां से आपको मिलेगा 3, और टोटल करेंगे तो एटम नंबर एफसीसी के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, और यही वैल्यू जेड की होगी। सो जेड इक्वल्स टू 4। अब देखिए सारे वैल्यूज यहां आपके पास हो गए, अब ये वैल्यू इस फार्मूले पर रखते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट अप करें। डेंसिटी का डी का वैल्यू है 10.5, इज लेंथ है आपकी 4.07 इंटू 10 to the power -8 और इसका करेंगे होल्ड टेकन 3 यानी क्यूब, और इंटू एन ए का वैल्यू एज इट इज 6.023 इंटू 10 to the power 23 अपॉन जेड का वैल्यू आपने एफसीसी के लिए फाइंड आउट किया 4, और अब यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली एटॉमिक मास आपको पता चल जाए। चूंकि सिल्वर के लिए एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, देन यहां कैलकुलेशन से इसका हमें मास मिल जाएगा 106.57 ग्राम पर मोल। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि सिल्वर के लिए एटॉमिक मास एम की वैल्यू है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन है, ये न्यू टाइप का है थोड़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटॉमिक रेडियस
ऑफ एनी एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स ए दे रखा है यानी अननोन एलिमेंट्स के लिए है ये एक्स वाई जेड, कोई भी इस तरह का आपको एलिमेंट्स यहाँ दिया जा सकता है, इज 5.2 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस का वैल्यू है आर का, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, यानी जो उसका पड़ोसी कण है नियरेस्ट नेबर है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जो क्यूबिक का टाइप है वो सिंपल क्यूबिक है, यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि यह सीसी टाइप का क्यूबिक लैटिस है। आप जानते हैं कि फार्मूला हम लोग यूज करते हैं आर के लिए, आर इक्वल्स टू डी बाई टू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आर का वैल्यू दिया इसने, आर इक्वल्स टू 5.2 एंगस्ट्रॉम, देन डेंसिटी के संदर्भ में अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू 2R, और इस रिलेशनल फार्मूले से हम नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पुट अप करें, सो डी इक्वल्स टू 2 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 5.2, और कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 10.4 एंगस्ट्रॉम, और ये आपके लिए डिस्टेंस हो जाएगी जो नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स की डिस्टेंस होगी।